साथियों, त्रिपुरा पर मां त्रिपुर सुंदरी का आशीर्वाद है। भाजपा सरकार त्रिपुरा की ताकत को एक और त्रिशक्ति से बढ़ा रही है। इसमें पहली शक्ति है आवास। त्रिपुरा के लोगों को पक्का घर। दूसरी शक्ति है आरोग्य। त्रिपुरा के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं। और तीसरी शक्ति है आमदनी। त्रिपुरा के लोगों को आय में वृद्धि। आवास, आरोग्य और आय की ये त्रिशक्ति त्रिपुरा के लोगों का जीवन आसान बना रही है। मेरे गरीब भाई बहन, मेरी माताएं बहनें, हमारी बेटियां, मेरे किसान भाई बहन, हमारे श्रमिक भाई बहन, सभी को बीते 5 वर्षों में भाजपा सरकार की स्त्री शक्ति का लाभ लगातार मिलता रहा है। साथियों, त्रिपुरा में पीएम आवास योजना ने यहां के लोगों का जीवन बदल दिया है। वो गरीब जो कभी सोच तक नहीं सकते थे, पीढ़ियां बीत गई, पक्का घर कभी मिला नहीं, उन्हें भी पीएम आवास योजना का पक्का घर मिल रहा है। त्रिपुरा में भाजपा सरकार ने बीते 5 साल में करीब करीब 3 लाख पक्के घर बनाकर गरीब को दिए हैं। जो दिल्ली में बैठे हुए ना, वो जब ये आंकड़ा सुनेंगे तो वो सोचते रह जाएंगे, त्रिपुरा जैसा छोटा राज्य और इतने कम समय में 3 लाख परिवारों को पक्का घर, इससे बड़ी सरकार की तेज गति क्या हो सकती है, डबल इंजन की ताकत क्या हो सकती है। और अगर एक परिवार में 4 से 5 लोग भी मानूं, तो 10 से 12 लाख लोगों का सीधे सीधे पीएम आवास योजना का लाभ हुआ है। उनकी जिंदगी में एक नई आशा का संचार हुआ है। त्रिपुरा की 40 लाख की आबादी को देखते हुए ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। ये है भाजपा सरकार के काम करने का तरीका। ये है डबल इंजन की सरकार के काम करने के परिणाम। जो लोग झूठ बोलकर, साजिशें रचकर भाजपा सरकार को हटाने के सपने देख रहे हैं, उनके सामने ये लाखों लोग भाजपा का सुरक्षा कवच बन करके, आज दीवार बन करके खड़े हैं। मैं आप सबको नमन करता हूं। साथियों, त्रिपुरा के लोगों ने लेफ्ट और कांग्रेस के बरसों के कुशासन में एक बहुत बड़ी पीड़ा भुगती है। ये पीड़ा थी स्वास्थ्य की सुविधाओं में कमी। घर में कोई बीमार हो जाए तो यहां के लोगों के पास इलाज के लिए ना तो अच्छे अस्पताल थे, इलाज के पैसे भी उनकी बहुत बड़ी चिंता थे। भाजपा सरकार को आपकी इस चिंता का ध्यान था, इसलिए ही हम 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान भारत योजना लेकर के आए। और मुझे खुशी है
त्रिपुरा के करीब करीब 2 लाख से भी ज्यादा गरीब मरीजों को गंभीर बीमारी की स्थिति में आयुष्मान योजना ने मदद की और उनकी जिंदगी बचाने का पुण्य प्राप्त किया है। आप कल्पना करिए, अगर आयुष्मान योजना न होती, अगर भाजपा सरकार न होती, तो क्या ये सुविधाएं त्रिपुरा के गांवों में मेरे गरीब के घर तक पहुंचती क्या? जनजातीय समुदाय के घर तक पहुंचती क्या? हमारी माताओं बहनों को बीमारी से मुक्ति मिलती क्या? आयुष्मान योजना के साथ साथ हमने त्रिपुरा में अस्पतालों के निर्माण पर भी बल दिया है। हाल में ही पहला, आजादी के इतने सालों के बाद पहला डेंटल कॉलेज भी त्रिपुरा को देने का सौभाग्य हमें मिला है। कांग्रेस और लेफ्ट गरीब से सिर्फ विश्वासघात करना जानते हैं। वो गरीब को कभी किसी चिंता से मुक्त नहीं कर सकते। साथियों, भाजपा सरकार की कोशिश सिर्फ आपको बेहतर इलाज की सुविधा देने की नहीं, लेकिन भाजपा सरकार हर वो उपाय कर रही है कि आपको बीमार पड़ने की नौबत ही ना आए। जब हर घर नल से जल आता है तो घर में बीमारी कम होती है। जब हर घर में शौचालय की सुविधा पहुंचती है तो घर से बीमारी भी दूर भागती है। जब हर घर में उज्ज्वला का गैस कनेक्शन पहुंचता है तो रसोई से धुआं कभी ऊपर नहीं उठ पाता है, उसको भागना ही पड़ता है। और सिर्फ धुआं नहीं, बीमारी भी भागती है। भाजपा आपकी सेवक की तरह, सच्चे साथी की तरह, आपके सुख दुख के संबल की तरह, आपकी हर चिंता दूर करने का काम आज भाजपा सरकार दिन रात मेहनत करके कर रही है। भाजपा सरकार की वजह से यहां 4 लाख से ज्यादा घरों में शौचालय बने हैं। भाजपा सरकार की वजह से यहां 4 लाख से ज्यादा घरों में पाइप से पीने का पानी पहुंचा है। भाजपा सरकार की वजह से यहां करीब करीब 3 लाख घरों में गैस कनेक्शन पहुंचा है। आप मुझे बताइए साथियों, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां कभी आपकी सेवक बनकर काम कर सकती हैं? कांग्रेस और लेफ्ट तो त्रिपुरा के लोगों का जीवन आसान बनाने वाली ऐसी हर योजना को बंद कर देना चाहती है। इसलिए त्रिपुरा के लोगों को लेफ्ट और कांग्रेस की ये दुधारी तलवार से सतर्क रहना है। भाइयों और बहनों, आवास, आरोग्य के साथ ही आय भी त्रिपुरा के लोगों की नई त्रिशक्ति बनी है। भाजपा सरकार ने जितना त्रिपुरा के लोगों की आय बढ़ाने के लिए किया है, उतना पहले कभी त्रिपुरा में हुआ ही नहीं। आय उनकी बढ़ती थी क्योंकि वो चंदा ले लेते थे। हम आपकी आय बढ़ाने में लगे हैं। भाजपा का सरकार अभी तक त्रिपुरा के 2.5 लाख से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में
500 करोड़ रुपए से अधिक जमा कर चुकी है और वहां कोई बिचौलिया नहीं, कोई चंदा चोर नहीं। यहां हमारे ढलाई के भी करीब करीब 40,000 किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान निधि के 80 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि का बहुत लाभ त्रिपुरा के धान बोने वाले किसान को हुआ है। अब तो त्रिपुरा, बीजेपी ने ऐलान किया है कि सरकार में वापसी के बाद इस राशि में और वृद्धि की जाएगी।